फूट गया प्रिंसिपल संदीप घोष का भांडा। 2 महीने बाद सीबीआई के हाथ लगी अभी तक की सबसे सीक्रेट वीडियो। खुल गए बड़े बड़े लोगों के नाम। हम इस मामले की पूरी तह तक जाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बिचारी बिटिया के लिए, उस मासूम सी गुड़िया के लिए आप लोग तब तक आवाज उठाते रहिए जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर डॉक्टर बेटी को कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो हम हैं और आप हैं। इसीलिए हमें अपनी आवाज को कमजोर नहीं होने देना है और कमेंट्स में वी वांट जस्टिस या फिर जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर जरूर से लिख देना है। दोस्तों, कोलकाता केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। आरजी कर अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर को मरा हुआ पाया गया, उस सेमिनार हॉल के बगल में एक बाथरूम था और इसी बाथरूम से चौंकाने वाले राज खुले हैं। ट्रेनी डॉक्टर का शरीर जिस हालत में मिला उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। अब तक संदीप घोष और संजय रॉय का नाम ही सुनाई दे रहा था, लेकिन अब एक जूनियर डॉक्टर पर सीबीआई की नजर पड़ चुकी है जो इसी टूटे हुए बाथरूम में नहाने गया था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। ये खून के धब्बे किसके थे उसने खुद बताया था। सूत्रों का कहना है कि जूनियर डॉक्टर सुबह वहां नहाने गया था जिस दिन ट्रेनी डॉक्टर का शरीर मिला था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जूनियर डॉक्टर को आरजीकल अस्पताल की नर्स नहीं जानती थी। जी हाँ दोस्तों, जब नर्स ने उससे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं तो उसने बताया कि बेड नंबर 4 पर एक महिला मरीज है, PRBC उसने दिया है, यानी कि महिला को खून चढ़ाया है। और तभी उस वक्त खून के धब्बे उसके शरीर पर भी लग गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब डॉक्टर PRBC दे रहा था तो उस वक्त क्या कोई ड्यूटी पर वहां नर्स मौजूद नहीं थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने नर्सों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में 2 सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। एक ये है कि नर्स ने कहा है कि इस जूनियर डॉक्टर को पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। दूसरा ये है कि जब उसने जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नर्स ने सीबीआई को जो बयान दिया है उसमें नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर करीब रात के 9 बजे मल्टी ड्रग रजिस्टर्ड वार्ड में दाखिल हुआ। वार्ड में उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। नर्स ने जब पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं तो जूनियर डॉक्टर ने बताया कि वो PRBC ढूंढ रहा है, किसी मरीज को देना है। सूत्रों के मुताबिक नर्स ने पूछताछ में बताया कि जूनियर डॉक्टर उस दौरान 2 मरीज के पास गया था। जब नर्स ने जूनियर डॉक्टर से पूछा कि क्या आपने दस्ताने ठीक से पहने हैं तो उसने कहा हाँ और मैं नहाना चाहता हूँ क्योंकि उसके शरीर पर खून के धब्बे लगे हुए थे। सूत्रों का दावा है कि उस वार्ड में एक और जूनियर डॉक्टर आया था। फिलहाल सीबीआई उस जूनियर डॉक्टर की तलाश कर रही है। 2 डॉक्टर आए थे और एक डॉक्टर उसी सुबह उसी बाथरूम में नहाने पहुंचा जिस सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर मर गई थी। उसी बाथरूम में उस ट्रेनी डॉक्टर को नहाने की क्या जरूरत थी? घटना के बाद उस बाथरूम को तुड़वा दिया गया। संदीप घोष पर आरोप लगे कि उसने सबूतों को मिटाने की साजिश की है और इसीलिए उस बाथरूम को तुड़वाया है। उसने घटना के 24 घंटे बाद सारे सबूत मिटाने के लिए रिनोवेशन के नाम पर सभी सबूत मिटाने की पूरी प्लानिंग कर ली और तो और उस बाथरूम को भी तुड़वा दिया, जहां पर अब ये बात सामने आ रही है कि वहां एक डॉक्टर नहाने पहुंचा था। अब शक है कि वो डॉक्टर भी इस घटना में शामिल था क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल होती है जिसमें बड़े दावे किए जाते हैं। और इस पूरे मामले में संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टर जिसमें एक महिला जूनियर डॉक्टर शामिल है जो ट्रेनी डॉक्टर की दोस्त बताई जा रही है। आपको बता दें कि वीडियो कथित लेडी डॉक्टर का बताया जा रहा है जिसमें उसने बड़े खुलासे किए हैं। उसने कहा है कि ट्रेनी डॉक्टर बड़ा खुलासा करने वाली थी संदीप घोष के बारे में। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल अस्पताल में अंग तस्करी का काम करता था और लड़कियों से अश्लील काम भी करवाता था, और अगर वो ऐसा नहीं करती थी तो उनसे अपने घर के काम भी करवाया करता था और दवाइयों का भी नशा करवाता था। संदीप घोष के कनेक्शन बड़े लोगों के साथ में थे, पार्टियों को बड़ी बड़ी फंडिंग देता था, और यही वजह थी कि घटना के बाद जब प्रिंसिपल संदीप घोष को आरजीकल अस्पताल से निकाल दिया गया, उसके अगले ही दिन पास के ही दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति मिल जाती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठाया। तो ये नया एंगल सामने आया है। सीबीआई अब तक इस मामले की जांच में पूरे तरीके से लगी हुई है। हर दिन इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार सीबीआई इस केस में अब तक कहां तक पहुंची है।
संदीप घोष खुद अपनी पत्नी के साथ सही बर्ताव नहीं करता था। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि जब मीडिया ने उसके पड़ोसी से बातचीत में संदीप घोष के बारे में पूछताछ की तो पता चला एक बार संदीप घोष की पत्नी प्रेग्नेंट थी, दर्द से वो चिल्ला रही थी। तभी संदीप घोष को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी के पेट पर लात मार दिया, जिससे उसकी पत्नी को ब्लीडिंग होने लगी थी। तब भी संदीप घोष का दिल पसीजा नहीं और उसकी पत्नी वहीं चिल्लाती रही। जब पड़ोसी ने सुना तो वो उसे अस्पताल लेकर चला गया। दोस्तों यकीन मानिए, कोलकाता डॉक्टर बेटी के केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे ये तो पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बेटिया के साथ जिसने भी ये हरकत की है, दरिंदगी की है, उन्हें बहुत भयंकर सजा होने वाली है। इस वक्त सीबीआई के पास जो वीडियो है उसे देखकर कोई भी घबरा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और जो चीखें सुनाई देती हैं, उसे शायद ही कोई पूरा देख पाए। हो सकता है कि कई लोग इस वीडियो को पूरा देख भी ना पाए। जो कुछ इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद हम उस दर्द का कभी एहसास भी ना कर पाए, लेकिन उसने मानवता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई में इंसान हैं? अगर इस वीडियो को देखकर भी आपका दिल पसीजा नहीं और आप खुद को अभी भी इस पूरे मामले से अलग मानते हैं, तो यकीन मानिए आप मानवता से बहुत परे हैं। और अगर आप इस मामले को लेकर अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल खुश कर देने वाली खबर ये है कि सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल संदीप घोष के बाद कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। और जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल पर आरोप थे कि उन्होंने संदीप घोष के कहने पर सबूतों से छेड़छाड़ किया। और जब डॉक्टर बेटी के परिजनों ने डॉक्टर बेटी का दोबारा से पोस्टमार्टम कराने का कहा, तो कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल ने उन्हें हवाला देते हुए डॉक्टर बिटिया की जांच पूरी हुए बिना ही जबरदस्ती उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन अब संदीप घोष का बेहद करीबी दोस्त और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। दोस्तों डॉक्टर बिटिया के साथ हुए दुष्कर्म में लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन डॉक्टर बिटिया के घर वालों को और जनता को विश्वास है कि सीबीआई डॉक्टर बिटिया को इंसाफ जरूर से दिलाएगी और उनकी ये बात सही साबित होती दिख रही है। भले ही राज्य सरकार इसमें ढिलाई बरत रही हो, लेकिन केंद्र सरकार और सीबीआई इस मामले में पूरे तरीके से सख्त हो चुकी है। इस मामले की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है, लेकिन जब तक इस मामले में पूरे तरीके से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज़ को दबने नहीं देना चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हमें खुद को ये याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर ही होती है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ बुलंद करें और वी वॉन्ट जस्टिस या जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर जरूर से लिखें। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। भले ही आपको वीडियो पसंद ना आए, आप इसे लाइक ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने कमेंट्स जरूर से लिखें। अपनी आवाज़ उठाए बगैर मत जाइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हम भी तब तक चुप नहीं होंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। एक और वीडियो बनाएंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।